जगी हुई थी मैं वहाँ से उठ के, अभी 10:30 हो गए और मैं भी बाहर गई थी क्योंकि छोटी आंटी का ना मोटर से पूरा पानी गिर रहा था, तो मैं उनको आवाज़ देने गई थी, वो अंदर की सुन नहीं रही थी। और मुझे लग रहा है भूख, क्योंकि मैंने सिर्फ चना खाया था और कुछ भी नहीं, तो मैं यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। और मेरे को आज बचपन वाली खाना खाने का मन करा, पता नहीं कैसे तो पीला पीला आ रही हूँ मैं। तो यहाँ हो रहा है दूध गर्म, पूरा हार्ड गर्म, जो कि मैंने दिन में जो चावल बनाया था वो मेरा फ्रिज में है, तो मैं उसको निकालती हूँ। मैं अभी खाने वाली, पता है क्या, बाबू सो चुका है वैसे, दूध और चावल। तो आप सब ने किस किस में खाया है दूध और चावल? जब मैं बचपन में ना गांव में जी थी, मैं बताती हूँ आप सबको स्टोरी, जब मैं गांव में थी ना, तो शहरी के वक्त रोज रमज़ान में मेरी दादी ना दूध और चावल हम सबको खाने के लिए देती थी सुबह उठकर। और दादी ऑलरेडी चावल भी बनाती थी और दूध भी एकदम अच्छे से गर्म करती थी, लाल हो जाता था दूध, उसके बाद शक्कर डाल के अपने दूध चावल को खाए, तो उसी समय का खाया हुआ। अभी वैसे बीच बीच में कभी कभी जब ख्वाहिश होती है, तो आज शादी के बाद तो नहीं खाया, लेकिन शादी से पहले भी खाया था, लेकिन आज शादी के बाद फर्स्ट टाइम मुझे जो फिर से ख्वाहिश हो गई दूध और चावल खाने की, तो मैं ज़रूर खा लूँ। और क्या बोलूँ, उस टाइम दादी बना के देती थी, अभी हम खुद से बना के खा रहे हैं, तो बस दूध मेरा बॉयल हो गया, चलिए हम चावल निकाल लेते फिर मिल जाए। ये देखिए मैंने घर का चावल जो बनाया था वो है, जो भी मैं फ्रिज में रख दी थी, अभी ये ठंडा है बिल्कुल, बट इसमें अभी हम गर्म दूध डालेंगे तो ये बिल्कुल गर्म। ये गया मेरा गाढ़ी गाढ़ी सी दूध इसके अंदर, ये बिल्कुल तैयार है। और अब हम जा रहे हैं खाने, बहुत दिनों के बाद मज़ा आने वाला है बिल्कुल। दादी वाली, दादी की याद आ रही है, अभी फीलिंग तो नहीं आ रही लेकिन दादी की याद आ रही है। वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो सुबह के बज रहे 9 और मैं अभी सो के उठी, अभी नहीं मतलब हो गया आधा घंटा, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया। देखिए तो बस आज है जुमा और कल वैसे मैंने सारा काम हो गया था, अभी आज कुछ वैसा खास काम नहीं है, तो बस हम बाबू को भी भेजेंगे स्कूल। और आज क्या पढ़ना चाहिए? और अभी तुरंत अच्छा, और अच्छा चिकन और पुलाव बाबू का खाने का मन है, तो घर में कोई सब्जी नहीं है, टमाटर और क्या बोलूँ, मतलब सब्जी में कोई सब्जी नहीं है। और बस तो हमने कहा कि कल मेरे को जाने का वैसे था, बट हम पता नहीं क्यों, मुझे मार्केट स्पेशली सब्जी लाने जाना बहुत ही अजीब लगता है, तो मैं नहीं, मतलब कल मुझे जाना था तो हम नहीं गए, और अभी दिक्कत हो रही है, तो बस हम बाबू को स्कूल भेजेंगे अभी नाश्ता करा के, उसके बाद हम निकलेंगे बाहर और हम जाएंगे चिकन लाने और टमाटर वगैरह सलाद वगैरह का सारी सामान, क्योंकि कुछ भी नहीं है घर में तो लाना तो होगा ना, तो बस हम निकलेंगे। चले हम मिलते हैं आपसे बाबू को नाश्ता वास्ता स्कूल का स्कूल भेजने के बाद। तो हम बोल रहे कि दूध रोटी खा लो, अंडा रोटी खा लो, बट ये नहीं, ये क्या बोल रहे कि फ्राई चावल चाहिए मुझे, अभी सुबह सुबह ये फ्राई चावल खाएंगे। फ्राई चावल क्यों खाओगे अभी? अस्सलाम वालेकुम बोलो। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और बस हमने भी अपने लिए अंडा पोच बनाया है और अयान का भी अंडा ऑमलेट बनाया है, तो बस हम लोग नाश्ता करते फिर हम निकलेंगे बाबू को स्कूल छोड़ने। मैं जा रही हूँ बाबू का स्कूल, बाबू चला गया है और बाबू को फी जमा करना है, तो बस फी भी जमा करेंगे, इधर से लौटते समय हम चिकन भी ले लेंगे। तो हम आ गए हैं चिकन लेके और बाबू चला गया है बाबू को छोड़ के स्कूल में, और फीस जमा किया मैंने, वहाँ से फिर निकली, उधर ही साइड में चिकन का दुकान था, तो वहाँ से चिकन लेते हुए मैं घर आ गई हूँ। और अभी काफ़ी देर से अम्मी से ऐसी बात कर रही थी, इसी हालत में बैठ के बस अम्मी से बात कर रही थी। अम्मी आप देख रहे हो ना कि जैसे आप फ़ोन किया तो मैं ऐसी बुरके में ही बैठ के आपसे बातें कर रही थी, ठीक है? तो बस मैं अभी उठूँगी, बनाएंगे चिकन और पुलाव, बाबू को आने से पहले पोछा लगाना, नहाना धोना सब कुछ काम बाकी है। चलिए हम मिलते हैं थोड़ी ही देर में काम करने के बाद, क्योंकि टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, तो जल्द जल्द काम ख़त्म करना होगा। तो चलिए हम मिलते हैं बाबू को आने से पहले, हम सारी काम को
कर लेंगे, खाना वाना तैयार कर लेना होगा, क्योंकि आते के साथ उसका बस एक रिएक्शन, अम्मी भूख लगा है, अम्मी भूख लगा है, तो वो खाना बना रहता तो फ़ौरन उसको नहलाएंगे और खाना देंगे। तो वैसे भी आज जुमा है, जल्दी जल्दी सब कुछ करना होगा क्योंकि किताब उताब भी पढ़ना रहता है आज। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे। तो मैं यहाँ पे नेल पॉलिश छुड़ा रही हूँ क्योंकि ये देखें पूरे नाखून में एकदम जम के बैठ जाता है। नहाना धोना करती तो मैं पाक नहीं होती, तो इसलिए मैं इसे छुड़ा रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद हम बनाएंगे खाना, क्योंकि टाइम वैसे 12 बज गया है, बाबू अभी तक नहीं आए हैं। तो सोच रही हूँ पहले नहा लूँ, उसके बाद फ्री होकर खाना बनाऊँगी, वरना बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं। तो वो पोछा वोछा भी लग चुका है, और बस हम जाते नहाते नहा के आते, उसके बाद हम किचन में घुसेंगे खाना बनाएंगे। तो चलिए, मेरा नेल जो है बिल्कुल साफ हो गया है। बाबू आ गया है घर पे, और बाबू आके बस रंगी तो घर पे। वैसे मैं नहाना धोना कर ली हूँ, और नहा धोना कर जैसे खाना में चढ़ा रही थी तो यहाँ पे आ गई सब्जी वाली, हरी हरी एकदम ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश सब्जी लेकर। तो मैंने यहाँ पे लिया है बरबट्टी, कच्चू, टमाटर, धनिया पत्ती, मतलब सारी सब्जियाँ भी ले ली, और ऑलमोस्ट मेरा खाना भी हो चुका। मतलब सब्जी लेने बाहर जाने का भी टेंशन खत्म, क्योंकि हम सोच रहे थे कि शाम में हम जाएंगे, लेकिन वो भी खत्म। और यहाँ पे बन रहा है चिकन, इधर बन गया है मेरा पुलाव। बस 5 से 10 मिनट में हम लोग माँ बेटा खाना खाएंगे। हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि भूख काफ़ी तेज़ लग रहा है। आया तो आते ही चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि हमको भूख लगा है, भूख लगा है। तो ऐसा है, बस यही लगी हुई हूँ मैं खाना बनाने में। जल बाबू को लग रहा काफ़ी भूख, तब तक चिकन गल रहा, मैं जा रही हूँ सैलेड बना लेने। सब्जी हम सोच रहे थे सामने जाएंगे, पर सब्जी वाला भी टेंशन ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ कि क्या क्या हो रहा है, बहुत भारी मात्रा में तैयारी चल रही है यहाँ पे। किस चीज़ का तैयारी चल रहा है? गेस्ट आने वाले हैं। अच्छा, ऐसा है, तो गेस्ट आने वाले, उसकी तैयारी चल रही है। किधर है आपका, कुछ दिख नहीं रहा है, बोल रही भारी सुबह से यहाँ पे मतलब कुकिंग चल रहा है। ये चिकन का कोरमा बना, पूरा दिखा रहा हूँ। ओके, चिकन का कोरमा तैयार है। हाँ। कस्टर्ड के लिए दूध चढ़ा है गैस पे। हाँ। और इधर चिकन फ्राई, बॉयल चिकन फ्राई बनाने वाली हूँ मैं। अच्छा। और कबाब, उधर कबाब का गोश्त जैसे कि मतलब मसाले के साथ मैरिनेट करके रखा हुआ है। जी बिल्कुल। और मोटिया पराठा बनने वाला है। अच्छा, और फिर देखती हूँ। अच्छा, तो मतलब इतना सारा तैयारी चल रहा है। 4 दिन जिम नहीं गए, छत पे आने में हाफ जा रही हूँ, और हम रेगुलर जाएंगे जिम इंशाल्लाह। इस महीने था टारगेट 4 kg घटाने का, मुझे ऐसा लग रहा है इस महीने घटेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, बट बढ़ेगा जाएगा ज़रूर, क्योंकि खाना वाना भी मैं खा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीकनेस मुझे लगने लगा था, और ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी बीमार हूँ। आज मैंने खाना वाना खाया तो आज थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं। तो ऐसा है, सब हो रहा है बारिश का, और यहाँ पे हमने डाले अपने कुछ कपड़े। तो बस छत पे आई हूँ उसे ही उठाने। क्या देखना था? मछली। आयन तालाब में मछली ढूंढ रहा है ना।